ओके हर्ष, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सर मैं गिव इन हिंदी। यस मेरा नाम हर्ष भदौरिया है। मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा सैनिक विद्यालय से करी। फिर उसके पश्चात मैं ग्वालियर आ गया। वहां से फिर मैंने अपनी आगामी शिक्षा करी गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्रमांक 1 से। इसके पश्चात मैंने अपना स्नातक गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज ग्वालियर से किया और हाल फिलहाल मैं माध्यमिक शिक्षा के पद पर शिक्षा विभाग में पदस्थ हूँ। और ओके मेरे पिताजी स्कूल के प्राचार्य हैं और मेरी माताजी भी शिक्षिका। ओके ओके सो पूरी फैमिली एजुकेशन में ही लगी हुई है। जी सर। एजुकेशन आप समाज की भलाई वाला ज्यादा कंपोनेंट है या फिर पैसा कमाना ज्यादा बड़ा ये कंपोनेंट है? सर एजुकेशन में हमें दोनों ही चीजें मिल जाती हैं। कमाई भी हो जाती है, साथ ही साथ समाज की भलाई भी हो जाती है। तो देखा जाए एब्सोल्यूट दोनों ही यस, कंपोनेंट। ये एब्सोल्यूट वे में ऑब्वियसली कोई चीज को हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि दोनों में प्रायोरिटी रखा जाए तो क्या प्रायोरिटी आपकी है, पैसा प्रायोरिटी या फिर समाज की भलाई? चूंकि सर मुझे समाज की भलाई यानी कि अपने विद्यार्थियों की भलाई करने में ज्यादा सेटिस्फेक्शन लगता है तो प्रायोरिटी मैं उसी को रखूंगा। लेकिन ऐसा होता ना तो फिर आप टीचर ही बने रहते। उसके पीछे सर अन्य कारण है कि क्यों मैं फोर्स में आना चाहता हूँ। यस दोनों यस ही मेरे यस यस जो टेल मी अबाउट दैट। जैसे सर एक तो सैनिक विद्यालय से पढ़े तो एक झुकाव फोर्सेस के प्रति शुरू से रहा। इसके अलावा मेरे पिताजी एनसीसी में एएनओ रहे, उन्हें मैंने कमांड करते हुए देखा है। ट्रूप्स को बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा मेरे जो दादाजी हैं वो आर्मी में सर्व किए हैं और मेरे जो चाचा हैं वो हाल फिलहाल बीएसएफ में है। फोर्सेस में आने के बाद एक यूनिफॉर्म मिलती है, यूनिफॉर्म से सोसाइटी में एक ओके डिग्निटी, एक प्रेस्टीज जुड़ी हुई है। इसके ओके अलावा तो अच्छी ग्रुप यस ए सर्विस है। यस चाचा जी बिल्कुल किस जी सर। पोस्ट पे हैं बीएसएफ में? अभी मेरे चाचा जी ये सिपाही हैं सर। ओके ओके कब ज्वाइन किए? ये वर्ष मेरे को क्लियरली याद नहीं है सर, काफी समय हो गया है। लगभग दो हजार आपके दो हजार के ओके लगभग ओके ज्वाइन ओके किए थे। तो 2000 से 2023 तक सिपाही का सिपाही ही है। ओके नहीं सर, प्रमोशन हुआ सिपाही एज अ जो ये हायरार्की में जो तीसरे स्थान पे जो रहता है सबसे, हेड तो हेड उसको मैंने कांस्टेबल एक हेड जनरलाइज। हेड कांस्टेबल जी 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 सर। ओके ओके इतिहास पढ़े हो कभी? जी सर पढ़ा है हर्षवर्धन का नाम सुने हो? सर। हर्षवर्धन किस डायनेस्टी का रूलर था? याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, अभी फिलहाल पढ़ा हुआ है, एट दी ओके मोमेंट ओके याद नहीं आ रहा एनीवे पुष्यभूति हर्षवर्धन की किसी से मेजर फाइट हुई थी जो एक हिस्ट्री का चेंजिंग मोमेंट है? है। हर्षवर्धन के बाद सर ये इस्लामिक एरा के रूलर्स अरे डियर मैं शुरू। पूछ रहा हूं हर्षवर्धन की किसी से लड़ाई हुई या नहीं, आप उसके बाद में बोलोगे। माफी चाहूंगा सर, ध्यान नहीं कर पा रहा हूं। ओके हर्षवर्धन की लड़ाई एक पुलकेशिन सेकंड से हुई नर्मदा रिवर के किनारे है, आर यू अवेयर? नहीं ध्यान कर पा रहा हूं सर, या ये तो पढ़ने में इतिहास नहीं आया। यदि यदि इस फैक्ट को नहीं जानते हो तो इतिहास की पढ़ाई मैं समझता हूँ अधूरा है, क्योंकि ये एक वाटर शेड मोमेंट है। ठीक है ओके एनीवे नो प्रॉब्लम यस आरती यू कंटिन्यू। ओके सर ओके हर्ष सो टेल मी द हिस्ट्री
सिग्निफिकेंस ऑफ ग्वालियर? मैम, ग्वालियर मुख्य रूप से अपने किले के लिए जाना जाता है, और इसके अलावा ग्वालियर में एक सिंधिया पैलेस भी बना हुआ है, जयविलास पैलेस भी उसको कहा जाता है। इसके अलावा ग्वालियर में एक बहुत ही फेमस मंदिर है, बिरला मंदिर, जो कि कोणार्क के सूर्य मंदिर की उस पे तर्ज पे बना हुआ है। इसके अलावा ग्वालियर बहुत ही एक खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे घाटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दो बड़े बड़े बांध हैं, हरसी बांध और ये दूसरा तिगरा बांध। और मैम, क्योंकि यहाँ पे दो फेमस म्यूजिशियंस बैजू बावरा और तानसेन दोनों ही यहीं के थे, यहीं से उनका ओरिजिनेशन था। इसके अलावा मैम, ग्वालियर कालिदास जी के लिए भी जाना जाता है, जो कि जिन्हें लिटरेचर शेक्सपियर ऑफ इंडिया, हिंदी लिटरेचर बोला जाता है। और मैम बस ओके, मैम, तो अगर इत्यादि। हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें तो ग्वालियर का क्या कंट्रीब्यूशन है? मैम, इंडियन नेशनल मूवमेंट में ज्यादातर जो ग्वालियर में आता है वो 1857 की क्रांति से संबंधित बिंदुओं के चलते आता है। 1857 की क्रांति में जो ये सिपाही म्यूटिनी हुई थी, उसमें ग्वालियर के जो कंटिंजेंट थे वो भी इन्वॉल्व थे, और इसमें जो लोकल जागीरदार थे उनका सपोर्ट था, लेकिन जो दीदेन राजा थे, जयजी राव सिंधिया जी, उनका सपोर्ट ना होने की वजह से रानी लक्ष्मीबाई जी की भी जान गई थी, और ग्वालियर का किला भी फिर अंग्रेजों के अधीन हो गया था, जिसके पश्चात हालांकि वो सिंधिया राजा को वापस मिल गया था। Your DF that your hobby is listening music. So what kind of music you listen? मैम, मुझे अरिजीत सिंह के गाने सुनने पसंद हैं, और मैं उनके ही गाने सुनता हूँ। Okay. So if we talk in like current context, don't you think the classical music is declining? मैम, मुझे लगता है कि हाँ, अभी जो क्लासिकल म्यूजिक है वो उतना सुनते नहीं है, जो यदि हम यूथ की बात करें तो उतना ज्यादा प्रचलन में नहीं है यूथ के बीच में, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका क्लासिकल म्यूजिक की शुरू से रही है, जिसकी वजह से अभी भी प्रोग्राम्स होते रहते हैं कंडक्ट स्टेजेस पर, और उनको महत्व तो दिया जाता है, हमारे कल्चर का एक अभिन्न हिस्सा। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्नेटिक म्यूजिक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक? मैम, मैं कुछ बिंदुओं में इसको कवर करूंगा। सबसे पहले तो ये जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में प्रचलित है, और जो कार्नेटिक है वो सदर्न पार्ट में प्रचलित है। इसमें जो लय है, उसको लय और उसकी टाइमिंग को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है हिंदुस्तानी म्यूजिक में, लेकिन अगर कार्नेटिक की बात करें तो उतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, थोड़ा सा लिबरल। इसके अलावा हिंदुस्तानी म्यूजिक में कई सारे घराने हैं, लेकिन म्यूजिक में घराना सुन नहीं, और हिंदुस्तानी म्यूजिक में और कार्नेटिक म्यूजिक में जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो भी अलग-अलग, फिलहाल नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये कुछ मूल डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच। So, India has a target of like becoming economy by 2024. So, do you think India is on the right track to achieve this target? जी मैम, मेरे को लगता है कि ये इंडिया का जो टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसके लिए हम ट्रैक पर हैं। अभी अमृत काल की भी घोषणा की गई हमारे ये फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, और उस पर जोर है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर जोर है, और टेक ड्रिवन डेवलपमेंट पर जोर है, और यदि चीजें जैसा हम प्लान कर रहे हो उसके हिसाब से ऐसे चलती रहती हैं, तो हम निश्चित रूप से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आने वाले समय में हासिल कर पाएंगे। And what are the challenges we face during this achieving this target?
मैम, जैसे करूं अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, ये जिसमें कुवे ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग की गई थी, तो उसमें एक चैलेंज जो आईआईटी बॉम्बे के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया, सबसे बड़ा मूल चैलेंज रिसर्च और डेवलपमेंट जो है हमारे यहाँ थोड़ा सा कम है सबसे, यदि हम देखें डेवलप्ड कंट्रीज के अपेक्षा। और इसके अलावा जो हम स्किल्स अपने यूथ को देना चाहिए जो इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड है, वो हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं कहीं ना कहीं वो एक गैप है इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्री के बीच में। तो मुझे लगता है एक ये कमी है, कमी नहीं बोलूंगा, ये चैलेंज है जिसको यदि हम ब्रिज कर पाए तो हम जी बहुत तेजी से आगे बढ़ पाएंगे अपने सपनों की तरफ। सो देयर आर डिफरेंट इनिशिएटिव्स फॉर डिफरेंट सेक्टर इन इंडिया लाइक प्राइमरी सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. सो कैन यू टेल मी सम इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? जी मैम, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर पे जोर दिया गया मैम 1990 के बाद जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे उनके जरिए, ये जो सर्विस सेक्टर है उस पे ज्यादा जोर दिया गया और इसमें जो ग्रोथ हुई है वो भी ज्यादा हुई है हमारे प्राइमरी सेक्टर की अपेक्षा। और मैम अभी मैं और बिंदु ध्यान नहीं कर पा रहा हूं मैम, सो देयर क्या आर लाइक सम इनिशिएटिव्स हैं? इनिशिएटिव्स लाइक सागरमाला परियोजना. यस मैम, आई हैव रेड अबाउट दैट, ओके पढ़ा है मैम उसके बारे में, थोड़ा सो टेल मी इलेबोरेट। समथिंग अबाउट. यस मैम, सागरमाला परियोजना मैम ये जो हमारे समुद्री तट पे जो पोर्ट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सामान इधर से सामान के लाने और ले जाने के लिए। तो हम कम पैसे निवेश करके हम ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कर पाएंगे, हमें वो एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है हमारे जो पोर्ट्स की जो कनेक्टिविटी है, इनलैंड ये जो कोस्टल एरिया से जो ट्रांसपोर्टेशन करें, तो हम मतलब पैसे भी बचा सकते हैं और ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं, उसी पे जोर दिया गया है सागरमाला परियोजना के तहत। एंड इफ वी टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देयर आर इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया. सो हाउ दे जी आर मैम, कॉन्ट्रीब्यूटिंग? मैम ये इन दोनों योजनाओं के तहत इजी लोन्स जो हैं वो प्रोवाइड करने की एक प्रोविजन है दोनों ही योजनाओं के तहत, इस पे जोर दिया गया है लोन्स आसानी से मिल सकें, और जो स्किल डेवलपमेंट है उस पे ध्यान दिया जाए यूथ की। और इसके अलावा मैम ना केवल इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी और साथ ही साथ हमारे देश में जो जीडीपी है उसमें भी कहीं ना कहीं ग्रोथ हुई है। तो इस प्रकार मैडम ये दोनों जो योजनाएं हैं, ये दोनों जो प्लान्स हैं, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश के विकास में। ओके हाँ. सो इफ वी टॉक अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन, सो देयर आर सेवरल लाइक सीज फायर एग्रीमेंट्स बिटवीन बोथ द कंट्रीज. स्टिल वी सी मेनी टाइम वायोलेशन ऑफ सीज फायर एग्रीमेंट. सो व्हाट आर द रीजंस? मैम ये इसके पीछे विभिन्न कारण हैं, जैसे एक तो जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का एक चैलेंज भी है, वहां से स्मगलिंग का और ये इन्फिल्ट्रेशन जो होता है गैर कानूनी तरीके से, इसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और इसके अलावा मैम कुछ ऐसे इलाके हैं दोनों के बॉर्डर के बीच में जो ग्रे एरियाज हैं, जहाँ पे क्लियर नहीं है कि प्रॉपरली कहाँ बॉर्डर है डिमार्केटेड, जैसे कि हम उसकी बात करें यदि सर क्रीक वाला जो इलाका है, तो ये कुछ क्षेत्र हो जाते हैं जहाँ पे फ्रिक्शन पॉइंट्स क्रिएट होते हैं। इसके अलावा मैम ये एक क्लोजनेस है गोल्डन क्रिसेंट से, जिसकी वजह से गोल्डन क्रिसेंट वो इलाके हैं जहाँ पे ये ड्रग्स और साइकोट्रोपिक प्रोडक्ट्स उगाए जाते हैं, यहाँ से नजदीकी होने की वजह से ये इलीगल तरीके से ड्रग्स और ये बिंदु हालांकि
मेरे पहले प्रथम बिंदु में कवर है। तो ये कुछ कारण है मैम जिसकी वजह से सीज फायर ये ब्रेक होता है। और मैम कुछ व्हाट इज गोल्डन गोल्डन क्रिसेंट मैम ये तीन देशों कंट्रीज आर इन का दिस? ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये तीन देशों का एक समूह है जहां पे ये हीरोइन ड्रग्स और इत्यादि चीजें उगाई जाती हैं। और यहीं से जी ओके सो डू यू रिमेम्बर एनी एग्रीमेंट रिलेटेड टू सीज फायर बिटवीन बोथ कंट्रीज? ना मैं फिलहाल याद नहीं कर पा रहा हूँ ये। ओके इट्स ओके ओके हर्ष टेल मी द करंट स्टेटस ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। मैम जस्ट अ मिनट, एक मिनट मैम सोच लूं। इंडिया और पाकिस्तान का जो संबंध है मैम काफी उतार चढ़ाव शुरू से देखने को मिला है। अभी की यदि हम बात करें तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो और पीसफुल तरीके से जो भी डिफरेंसेस हैं वो सॉर्ट हो। और हमारा नो हम अपनी एक पॉलिसी सदैव फॉलो करते हैं, नो फर्स्ट यूज ऑफ वेपन्स और वायलेंस। और इस पॉलिसी के चलते हम आगे से कुछ भी अटैक या इत्यादि चीज नहीं करते हैं। और मैम क्रिकेट मैचेस के जरिए, ट्रेन रूट्स के जरिए, ट्रेन की कनेक्टिविटी के जरिए हम अपने जो आपसी संबंध है उनको बेहतर करने का प्रयास अभी कर रहे हैं। ओके सो हर्ष यू आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड मध्य प्रदेश इज नोन एज टाइगर स्टेट। सो टेल मी जी मैम, समथिंग अबाउट टाइगर प्रोजेक्ट एंड द करंट स्टेट ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। जी मैम, प्रोजेक्ट टाइगर मैम 1973 में टाइगर कंजर्वेशन के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसमें सबसे पहले जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहां पर ये टाइगर प्रोजेक्ट आया था। इसके पश्चात ये मध्य प्रदेश में भी आया और मध्य प्रदेश का अहम योगदान इस प्रोजेक्ट में रहा। ये मैं इस वजह से कह पा रहा हूँ क्योंकि कई सारे टाइगर रिजर्व्स यहाँ पे मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश किए गए उस समय। पेंच और बांधवगढ़ और सतपुड़ा ये इत्यादि टाइगर रिजर्व्स हैं जो मध्य प्रदेश में हैं। हाल फिलहाल टाइगर का स्टेटस IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है और हमने मध्य प्रदेश ने काफी अपना अहम योगदान इस प्रोजेक्ट में दिया है शुरू से। ओके सो देयर इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव बाय इंडिया कॉल्ड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। जी टेल मी समथिंग अबाउट दिस अलायंस। मैम क्षमा चाहूंगा मैम, इस पर मेरे को अभी जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में जरूर पढ़ूंगा। ओके हर्स वी ऑफन सी इंसिडेंट्स लाइक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। सो व्हाट आर द रीजंस व्हाई सच थिंग्स हैपन? मैम ये ह्यूमंस का हस्तक्षेप जो है ये जानवरों के डोमेन में, ये एक अहम कारण है जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। और यदि हम देखें जो नेशनल पार्क्स होते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इनमें कुछ हद तक ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउ रहता है। एक में ये नेशनल पार्क्स में तो अलाउ नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ह्यूमन का रहना और वहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना कुछ हद तक अलाउड रहता है। तो इसकी वजह से भी ये प्रोमिनेंटली उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में देखने को मिलता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। और बस मैम यही कारण मैं अभी याद कर पा रहा हूँ जिसकी वजह ओके से। एंड व्हाट ओके एंड व्हाट आर द वेज वी कैन सॉल्व दीज इश्यूज? यदि मैम हम इनका डोमेन मार्क कर दें अलग अलग कि किस क्षेत्र में ह्यूमंस बिल्कुल एंटर नहीं कर सकते हैं, और जैसा कि नेशनल पार्क्स में होता है एक प्रॉपर बाउंड्री है, इसके अंदर प्रवेश वर्जित होता है,
उसी तरीके से यदि हम अन्य फॉरेस्ट एरियाज में भी ये कर देते हैं और जहां जहां जानवर हैं वहां वहां ये इस तरीके की फैसिलिटी यदि हम कर देते हैं तो निश्चित रूप से इसको कम किया जा सकता है, ओके कम या सो खत्म ही किया जा सकता है। ओके सो व्हाट डू यू थिंक लाइक ह्यूमंस आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस और एनिमल्स? मैम, इसके पीछे मुख्य रूप से देखा जाए तो ह्यूमन ही रिस्पॉन्सिबल है। कारण बहुत ही सिंपल है कि हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको उनका प्रयोग करने के लिए उनके क्षेत्र में जाते हैं, और एक जो मुख्य रूप से यही एक कारण है जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। ओके हर सो लास्ट क्वेश्चन, योर फर्स्ट प्रेफरेंस इज सीआईएसएफ, सो जी व्हाई मैम, सीआईएसएफ नॉट बीएसएफ और सीआरपीएफ और एनी अदर? जी मैम, इसके पीछे भी कुछ कारण है। जैसे सर्वप्रथम मैम, सीआईएसएफ में जो पैन इंडिया फोर्स है इसमें हमें अलग अलग एरियाज में डाइवर्स फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा, और एक बेहतर पब्लिक इंटरफेस सीआईएसएफ को मिलता है जिस वजह से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कर पाएंगे, अपनी सॉफ्ट स्किल्स को और डेवलप कर पाएंगे। इसके अलावा एक टेक ओरिएंटेड फोर्स है जिसमें हमें नई तकनीकों के बारे में सीखने को मिलेगा, और शुरुआती जीवन में पोस्टिंग के शुरुआती स्तर पे एक बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस जो है सीआईएसएफ में मिलता है। ये कुछ बिंदु हैं जो मैंने अपने सीनियर्स से चर्चा करके निष्कर्ष निकाले हैं जिसकी वजह से सीआईएसएफ को पहला प्रेफरेंस दिया। That's all from my side, sir. ओके, ये इन योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हॉबी आपने लिखा है इलोक्यूशन, सो इलोक्यूशन व्हाट यू वांट टू से इन दैट, कैन यू एलेबोरेट? जी सर, एलोक्यूशन सर ये एक भाषण प्रतियोगिता होती है जिसमें हमें पहले से एक टॉपिक दे दिया जाता है, इस पर हम अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करते हैं, थोड़ी रिसर्च करते हैं, और फिर कुछ समय दिया जाता है तैयारी करने के लिए, फिर इसके बाद हम उस पर अपना भाषण देते हैं। तो ये प्रतियोगिता जो है इसमें मैं स्कूल के दिनों में भाग लेता रहा, और इसके पीछे भाग लेने का भी एक उद्देश्य था अपनी पर्सनैलिटी को विकसित करना, क्योंकि फोर्सेस में जाना है तो एक बोलचाल थोड़ा अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, मुख्य उद्देश्य ये था। ओके ओके सो रीडिंग आपने लिखा, तो रीडिंग किस टाइप के, क्या बुक्स, न्यूज़पेपर, कहानियां, क्या आप पढ़ते हो? सर मुख्य रूप से सर मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूँ, और इसमें मैंने अभी तक 5 किताबें पढ़ी हैं, और न्यूज़पेपर भी मैं डेली बेसिस पे पढ़ता हूँ। ओके सो तो बस आपने 5 किताबें जो लाइफ एंड ऑल के बारे में, कितने दिनों में 5 किताबें पढ़ी? मुझे लगभग सर ये 1 वर्ष पूर्ण हो गया है ओके इस ओके हॉबी को परस्यू करते हुए। एक 1 ईयर में आपने सिर्फ 5 किताबें पढ़ी, मींस एवरी 60+ डेज यानी 70+ डेज में आप एक किताब पढ़ पा रहे हो, तो क्या हर लाइन को एक्सपेरिमेंट करते हो? जी नहीं सर, बस ये है कि थोड़ा सा हॉबी के लिए समय कम निकाल पाते हैं, तो प्रोफेशन में होते हुए इतना समय नहीं हो पाता है, फिर अपनी भी जो अन्य चीजें हैं, स्पोर्ट्स और जी दौड़ लिसन भाग। लिसन लिसन, टाइम निकलेगा लेकिन आप बुक को एक्सपेरिमेंट करने लगोगे तब का टाइम कम पड़ता है। मैं समझता हूँ पढ़ने में तो उतना कम टाइम नहीं पड़ता है, क्या आप पढ़ते हो उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने लगते हो? जी नहीं सर, ऐसा नहीं है, पढ़ते उतने समय के लिए है, लेकिन जो हाँ जो नैरेटिव उसका निकला है उसको जरूर अपने जीवन में समाहित करने का प्रयास करता हूँ ओके जो मैं सो समझ आपने पाता हूँ। 5 बुक्स लिख बोला, तो 5 बुक्स को तो हम बता सकते हैं, तो आप नेम बताइए 5 के।
जी सर, मैंने एल्केमिस्ट पढ़ी है, द सटल आर्ट, इसके अलावा हाउ टू विन फ्रेंड्स, साइकोलॉजी ऑफ मनी और एटॉमिक हैबिट्स, ये पांच किताबें अभी तक मैं पढ़ी। ओके ओके, व्हाट इज साइकोलॉजी? सर, किसी भी व्यक्ति के मन में, वैसे मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं जानता हूँ, बस अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एक ट्राई कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति के मनोस्थिति के बारे में जो पढ़ाई होती है उसको साइकोलॉजी बोला जा सकता है। ओके, साइकोलॉजी में जीवन की मूलभूत जो एक पर्सन कैसे सोचता है उसके ऊपर भी ये पढ़ा जाता है। ये इस संबंध में फॉर एग्जांपल बेसिक्स, फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी वगैरह, साइकोलॉजी एनसीईआरटी में 11th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। सो बिफोर बुक आप वो उसको भी पढ़ सकते हैं। ह्यूमन की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड होती है वो, उसके बाद बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंड करता है। ह्यूमन नीड फुलफिल होता है तो आदमी डिफरेंट डायमेंशन में। जीवन का मूलभूत नीड क्या है आपके संबंध में? आपने यदि साइकोलॉजी पढ़ा है थोड़ा भी और उस बुक को पढ़ा, तो साइकोलॉजी ऑफ मैन फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा, तो ह्यूमन का बेसिक नीड्स क्या है लाइफ का? सर, ह्यूमन की बेसिक नीड्स है कि उसका एक जो शेल्टर है, फूडिंग है, देखा जाए टेक्निकली तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन जीवन को जीने के लिए एक उद्देश्य होना बहुत ही ज्यादा नहीं, जरूरी है। उद्देश्य से कभी बेसिक नीड्स में नहीं आता है। जी सर, आपने कभी मैस्लो अब्राहम का नीड बेस्ड हायरार्की पढ़ा? जी नहीं सर। तो आप हायर लेवल के बुक पढ़ रहे हो और एनसीईआरटी ने बेसिक्स प्रोवाइड किया है, आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हो। सर वो असल आप एक टीचर हो, एक लंबे समय से टीचिंग का काम कर रहे हो। एनसीईआरटी ने साइकोलॉजी की बुक्स दी है, क्लास 11th और 12th। आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो उनके वेबसाइट से और उसको पढ़ोगे। मैस्लो अब्राहम की जो बेसिक नीड बेस्ड हायरार्की देखोगे, एक्चुअली नीड बेस्ड हायरार्की में मैस्लो अब्राहम वन होता, और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बेसिक यदि देखोगे तो उसके संबंध में ये कहता है कि जो फूड है, फॉर एग्जाम्पल फूड है, थ्रस्ट है, ये सब बेसिक नीड में आती है। जो आपके उद्देश्य है वो हायर लेवल पे आता है। अब जस्ट सोचो, आपके पास जीवन का उद्देश्य है। बेसिक नीड में ह्यूमन और एनिमल दोनों सेम आते हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि बेसिक नीड जब आप पैदा हुए थे, क्या फूड को जर की जरूरत आपको उसी समय हुई थी या नहीं जैसे पैदा हुए? जी सर, तो जरूरत थी। आपने क्या अपनी मदर से उसी समय बोला था कि मैं फूड इस उद्देश्य से ले रहा हूँ? जी नहीं। प्यास लगा होगा तो आप रोते होंगे, ये चीज क्या आपने बोला कि मेरा उद्देश्य ये है प्यास का या पानी पीने का या जो भी? तो जी उद्देश्य नहीं बहुत सर। बाद में आपका आया। इसका जी मतलब एक जीवन में, एक ऐसे टाइम में जब आपके पास कोई उद्देश्य नहीं था, भूख और प्यास तो तब भी था। जी मदर के प्रति जी एक सर अफेक्शन वो तो शुरू से ही था, जी तो उसमें तो जी हाँ आपने ये बुक पढ़ा नहीं तब भी था, है ना? जी सो नो प्रॉब्लम। ह्यूमन और एनिमल में सम सिमिलरिटी है, डिफरेंस क्या है, क्या डिवाइडिंग लाइन है? सर, एक तो ये जीव वैज्ञानिक स्तर पे यदि हम देखें तो इनमें जो सेल्स होती हैं, सेल में एक डिफरेंस है कि सेल वॉल इनमें प्लांट्स यस में डियर होती है, डियर ह्यूमन। डियर, ये सेल वॉल और ये कंसेप्ट जो होता है वो आपका एनिमल और प्लांट में डिफरेंस होता है। आई एम आस्किंग अबाउट ह्यूमन एंड एनिमल, और ह्यूमन और एनिमल दोनों में आपके सेल वॉल नहीं होते हैं। सेल वॉल यदि हो जाएगा ना तो आप ऐसे आराम से नहीं कर पाओगे, पार्डन ऐसे हो तो ऐसे ही रहोगे, ठीक है? पार्डन मी सर, गलती हो गई, माफी चाहूंगा। ह्यूमन और एनिमल में सर डिफरेंस ये है कि ये मोबिलिटी का अंतर है सर, ह्यूमंस मूव ह्यूमन कर और पाते एनिमल हैं। दोनों, आप ह्यूमन और प्लांट में मत समझो, मोबिलिटी हम भी कर रहे हैं। ये कुत्ता को आप दौड़ाओ तो आपसे तेज दौड़ेगा, वो मोबिलिटी करेगा।
फिर से माफी चाहूंगा सर। जी सर, जस्ट जस्ट 30 सेकेंड सर। जी सर, सर थोड़ा ज्यादा विकसित हैं हम जानवरों से, ह्यूमंस जानवरों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा विकसित हैं, भाषा कम्युनिकेशन ठीक के। है, भाषा है लेकिन विकसित आप नहीं कहोगे, क्योंकि मैं प्रूव कर दूंगा आपकी अभी कम विकसित हो, ठीक है ना? तो थोड़ा ज्यादा विकसित हो ये नहीं, मतलब कुछ और चीजें हैं, ठीक है? जी सर, एक बेहतर भाषा है कम्युनिकेशन। वो ये आप एनिमल एनिमल का आप भाषा नहीं समझ रहे हो, इस वजह से आप कह रहे हो कि हमारी भाषा बेहतर है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप एक अफ्रीका के किसी कंट्री में चले जाओ जहां जुलू और लुलू जो भी लैंग्वेज बोला जाता है, तो वो आप उसकी लैंग्वेज आप समझ सकते हो? नहीं ना। वो कुछ बोलेगा तो आप बोलोगे कि एकदम बेहुदा है, वो बोलेगा कि एकदम गधा है, कि चीज को नहीं समझ पा रहा है, जानवर से भी गया गुजरा। वो अपने भाषा में अपने जानवर को बोलेगा तो हो सकता है वो समझ जाए, लेकिन आप नहीं समझोगे, तो बोलेगा कि ये आदमी जानवर से भी बदतर है, ये समझ नहीं पा रहा। हमारा जानवर जो भैंस है हमारा, वो समझ पा रहा, तो इसको उस सेंस में नहीं कर पाओगे, ठीक है? ओके, नो सोच, प्रॉब्लम। जी सर, एक बिंदु सर, सोचने की क्षमता जो यस, है ये वो। रेशनल थॉट जो हम देते हैं, रेशनल जी थिंकिंग सर, जो है हमारी, वो बेटर है कि रेशनलिटी। अब लैंग्वेज, हम एनिमल के लैंग्वेज को प्रॉपर डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। अब जी क्योंकि सर, वन पर्सन हम इस लैंग्वेज में, फॉर एग्जाम्पल, हम कोई लैंग्वेज, हो सकता है कोई आदमी दूसरे लैंग्वेज को जानता है, तो हम तो उसके, जिस प्रकार हम एक मनुष्य के लैंग्वेज को दूसरा मनुष्य नहीं समझ पा रहा है डिफरेंट प्लेसेस में, सेम सिचुएशन एनिमल में है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप जानवर को बोलोगे रुक जाओ तो वो रुक जाता है। एक सर्कस में एलिफेंट को बोलता है सिट डाउन तो वो बैठ जा रहा है, तो कुछ तो वो भी चीजें समझ रहा है, ठीक है? जी हाँ सर, ओके, जी सर, ठीक है।